पैकेट के लेफ्ट में ही है और ये चीज कैसे नहीं स्पॉट हुई, और ये 2D ओके क्या ओके, सो फाइनली सफर खत्म, चोनू बचे हैं, बचा सकते जाके क्योंकि एस ब्लैक वहां पे बाहर हो चुके हैं। पीछे से आइकॉनिक आए हैं, मान्या भी आए हैं, चोकर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मैच से बाहर हो चुके हैं। 14 प्लेयर आपको अभी भी देखने को मिलेंगे इस मैच में, 14 प्लेयर यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, और अब वो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखेंगे तो इसका मतलब कुछ और फिनिश पॉइंट अपने नाम करेंगे। हाइड्रा अल्फा को भी बाहर किया जाएगा उनके चलते, और उसी के साथ साथ आपको बाकी के टीम्स और बाकी के प्लेयर्स भी देखने को मिलने वाले। ब्लाइंड कूप्स की बात करी जाए, आपको फ्रैंक यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं M4 के साथ, ग्रेनेड उनके पास है, ग्रेनेड कुक किया गया, थ्रो भी किया जाएगा। टेम्पेस की बात करी जाए, वो आपको देखने को मिल रहा है, एक अच्छा गेम इस टीम की तरफ से भी, क्योंकि 3 मैन है, 12 प्लेयर बचे, आइकॉनिक अगेन तो डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। अब आइकॉनिक के लिए गेम उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है जितना ज्यादा टीम नंबर जो इनके जस्ट नीचे होल्ड कर रही है, टीम नंबर 12, ओके। बट मैन एडवांटेज के अकॉर्डिंगली बात करो तो दोनों टीम्स के पास मौका है, 3 टीमें बची हैं, बट काउंटिंग के हिसाब से जाया जाए तो 3-3-6 और 2-8, क्योंकि वहां पे जो प्लेयर नॉक हुआ था उसको आसानी से रिवाइवल मिल जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे बाकी के प्लेयर्स भी देखने को मिलेंगे, फाइट और ज्यादा क्लोज देखने को मिलेगी, ओके। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करते हैं, आपको बाकी के प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, एम के एक्सयूव देखने को मिलेंगे, बट बाकी प्लेयर्स की बात करी जाए तो वो यहाँ पे वापस से फाइट में इंगेज होना चाहेंगे। एक्सयूव के पास मौका अच्छा, अगर आइकॉनिक को टेक डाउन करते हैं तो एक और टीम यहाँ पे बाहर होगी। जी हाँ, तो ये फाइट अब हो चुकी है 3v2 के सिनेरियो में, क्योंकि 3v2 हाउ इज इट ओके 3v3 के सिनेरियो में, वही चीज मैं कहूँ, ये यार गाइस 3v2 कैसे हो गया, 5 फिनिशेज होने चाहिए, 6 दिखा रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप बात करो तो अभी तक बहुत बढ़िया है। और जो आई के टॉप रेगर के पास आपको M4 देखने को मिल रही है, वो यहाँ पे M4 के साथ तैयार हो चुके हैं, आपको हुई भी देखने को मिलेंगे, वो एक बढ़िया कमबैक यहाँ पे करने वाले हैं, और IMKXFIV वो देखने को मिलेंगे, हुई भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। एंड देखिए एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी बात करो तो ऑब्वियसली रिप के पास जाएगा चिकन डिनर, बट जिस तरीके का गेम इस मैच में इस टीम ने भी दिखाया, टीम नंबर 12 में स्पेशली जॉय टॉप रेगर ने, तो उनके हक में भी जा सकता है। और ग्रेनेड यहाँ पे कुक किए जा रहे हैं, टेम्पेस भी तैयार हो चुके हैं, दोनों व्यू विद दैट ड्रोन व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ पे, किस तरीके से कौन सा प्लेयर एक्यूरेट कहाँ पे होल्ड कर रहा है, कहाँ से क्या ग्रेनेड वो यहाँ पे थ्रो करता है दिखेगा। टेम्पेस भी पूरी तरीके से तैयार है, टॉप फ्रेगर भी तैयार है, पारितोष के पास ग्रेनेड है, उसी के साथ साथ आपको बाकी प्लेयर टेम्पेस वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। फ्रैंक एक एच ओके फाइनली, वो मेरे रुक गए थे वर्ड्स, मेरे को लगा बच गए, बट स्क्वाड और वहां पे अकेले प्लेयर बचे क्या, अब ये गेम इनके हक में जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि मैन एडवांटेज इनके पक्ष में है और ये फाइट भी इनके पक्ष में है। विनर विनर चिकन डिनर यहाँ पे जॉय टॉप फ्रेगर की टीम के पास जाता हुआ दिखेगा, हुई के पास भी जाता हुआ दिखेगा, एक अच्छा गेम यहाँ पे देखने को मिला, एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे।